मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अगर आप भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहाँ पढ़ने के बजाय आपके बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाया जाए तो यकीनन आपका खून खौल उठेगा। ये तस्वीरें किसी गांव खेड़े की नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर की है, भिवंडी शहर के बाला कंपाउंड की है। बताया जा रहा है कि निजामपुरा महानगर पालिका के स्कूल क्रमांक 86 की ये तस्वीरें हैं जहाँ स्कूली छात्राओं से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है। यकीनन ये तस्वीरें देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठेगा कि क्या स्कूल में किसी सफाई कर्मी की तैनाती नहीं है। अगर सफाई कर्मी की तैनाती है तो इन स्कूली छात्राओं से आखिर स्कूल में झाड़ू क्यों लगवाया जा रहा है। ये छात्राएं स्कूल में अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ने के लिए आती हैं, मगर जरा देखिए इन छात्राओं के हाथ में सरकारी स्कूलों में किस तरह से झाड़ू दे दिया गया और इन्हें झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये जमीनी स्तर की हकीकत है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। भिवंडी शहर की स्कूल क्रमांक 86 की ये मनपा का स्कूल है जहां ये छात्राएं झाड़ू लगा रही हैं। एक तो वैसे ही सरकारी स्कूलों की हालत काफ़ी बदतर रहती है। सरकारी स्कूल में ज़्यादातर ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी रहता है, ना ही शौचालय साफ रहता है, ना ही बैठने के लिए बच्चों के ठीक से बेंच रहते हैं। अक्सर टूटे फूटे बेंच आपको मिलेंगे। लेकिन उसी कड़ी में ये नई तस्वीर सामने आई जो सबको हैरान और परेशान कर दी कि जो बच्चे घर से निकलते हैं अब किताबें लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हीं बच्चों से ये काम करवाया जा रहा है, स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है कि आखिर सरकारी स्कूल का ये रवैया कैसा है। अब देखने वाली बात है कि आखिर मनपा प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे लेती है। क्या वहाँ पर किसी सफाई कर्मी की तैनाती नहीं है? स्कूल में साफ़ सफाई करने की जिम्मेदारी आखिर किसको दी गई है? कौन लोग इसके दोषी हैं जो स्कूली छात्राओं से झाड़ू लगवा रही हैं? उन पर क्या कार्रवाई होती है? ये देखने वाली बात है। तुम लोग लगाते हो बेटा झाड़ू? नहीं, कभी कभार लगाते हैं। कोई आता नहीं ना लगाने यहाँ झाड़ू? म्युनिसिपैलिटी नहीं, हम लोग लगाते हैं ज्यादातर। कोई नहीं आता? नहीं आते, उन लोग पार्टी में जाते